कैसे हैं आप लोग? अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इस गाने की सुलभ शांत शुरुआत मेरी जिंदगी से ज्यादा कलरफुल कॉलेज से होती है, जहाँ हमारी मुख्य अभिनेत्री अपने दो पापा की पड़ी के साथ खड़ी है। ये है मिस टचअप, जिनको बात बात पे टचअप देना होता है। उठते टचअप, खाते टचअप, यहाँ तक कि सोते टचअप। नहीं, क्यों दिखना इतना क्रिस्पी? कुड़कुड़े हो क्या? अब आते हैं दूसरी वाली पे। ये है मिस तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, इन शॉर्ट TKMK। ये तुम्हारी खुशी में इतना खुश क्यों होती है पता है? क्योंकि इनको हर बात पे पौड़ी चाहिए होती है। OMG, नया फोन, पौड़ी दे। अरे हाँ, ओके। OMG, नए कपड़े, पौड़ी दे। परसों ही तो पहना था ये। यार, लूज मोशन हो रहा है। पौड़ी दे। नहीं नहीं, हाँ, आ आ आ, तुझे प्लेट भर के पौड़ी देती हूँ, कमीनी। ये है हमारी मुख्य अभिनेत्री, जिसने जीवन में किताबें कभी नहीं देखी और सीन के नाम पे देखना भी पड़ गया तो इस कदर किताबों में डूब गई कि अगर उन्हें थोड़ी देर में निकाला ना जाए ना तो अगले ही दिन ये न्यूज में आएगा। गानों की शूट की आड़ में एक गवार अभिनेत्री का किताबों में डुबा के किया गया हत्या। क्या इसमें चीन का हाथ है या फिर पाकिस्तान का पैर? ये बंदा इतना चिकना है कि अगर पॉन्स ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ना तो अगले ही दिन आप इसे टीवी पे बुगली बुगली बू करते हुए देखेंगे। ये बंदा इतना चिकना है कि पार्ट टाइम जॉब के नाम पे पड़ोस वाला नाई इसके चेहरे को फिटकरी की तरह यूज करता है। फिटकरी दाढ़ी शेव करने के बाद लगाया जाता है, इन केस यू डिडंट गेट द जोक। रख दे लुका के तेनु मैं, मेरे बिना नक्की ना कोई होर वे कोलो दी मुख फिर लंघ दे, ए हुंदे नहीं असूल प्यार दे। एटीट्यूड, चाहे इस बंदे के घर में इसके टांगों को उठाकर इसके बालों से जाले साफ कराए जाते हो लेकिन एटीट्यूड बहुत है। चाहे ये अकेली ही लड़की है जो पूरे कैंपस में इसे भाव दे रही हो लेकिन एटीट्यूड बहुत है। और ये बगल से जुप करके जाने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता ना तो मैं इसे प्यार से बुलाती और कानों में कहती। मैचिंगा मैं कर दिया जान जान के, जानो बुझ नोटिस तू करता ही नहीं, मेरे बिना रहना है तू बड़ा खुश वे, तेरे बिना पल मेरा सरदा ही नहीं, तेरे बिना पल मेरा सरदा ही नहीं। मजाक से हटके ये सीन ना मुझे बहुत खराब लगा। म्यूजिक प्लीज। चाहे आप कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो बट ही और शी इज ऑलवेज फॉलोइंग यू इन द होप दैट यू विल लव देम बैक, डू टेल देम दैट यू डोंट लाइक देम, डू नॉट ट्रीट देम इन द वे दैट इज शोन इन द वीडियो। ना ही तुम किसी के ऐसे पीछा पड़ जाओ जो तुमको इग्नोर करते हो। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट और ना ही किसी को ऐसे इग्नोर करो। इग्नोर करते हो तुम इतना और जब सामने वाला पूरी तरीके से टूट जाता है तो हंस के कहते हो आई वॉज जस्ट टेस्टिंग योर लव, अर्थात मैं सिर्फ परीक्षा ले रहा था। तो सुनो, ध्यान से सुनो, इग्नोर होने वाली फीलिंग कोई आम नहीं और तुम अग्नि परीक्षा लेने वाले प्रभु श्री राम नहीं। So I really hope you enjoyed my video. Milte hain next video mein. Till then, ta ta. Like, subscribe, share.